दोस्तों IQ का सबसे लेटेस्ट एंड सबसे पावरफुल सीरीज IQ 9 सीरीज ऑफिशियली से चाइना में लॉन्च हो चुकी है। सो दोस्तों सारा कुछ स्पेक्स बाहर निकल के हमारे सामने आ चुके हैं कि इस सीरीज में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस सीरीज में आपको दो डिवाइस देखने को मिलने वाली है, फर्स्ट दोस्तों IQ 9 एंड सेकेंड दोस्तों IQ 9 प्रो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सीरीज के बारे में कि इस दोनों फोन में हमें क्या डिस्प्ले देखने को मिल सकती है एंड क्या कुछ कैमरा सेटअप वगैरह देखने को मिल सके एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा SoC वगैरह इस सीरीज में हमें देखने को मिलने वाली है। तो एवरीथिंग बात करने वाले हैं IQ 9 सीरीज के बारे में एंड लास्ट ये भी बात करेंगे कि कब तक ये इंडिया में लॉन्च कर सकती है एंड किस प्राइस बजट के साथ। तो एवरीथिंग बात करने वाले हैं IQ 9 सीरीज के बारे में, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें कि कौन सा चिपसेट वगैरह हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं दोस्तों इस सीरीज के दोनों ही डिवाइस IQ 9 एंड IQ 9 प्रो में हमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 का चिपसेट देखने को मिलने वाली है एंड दोस्तों यहाँ स्टोरेज के मामले में दोनों ही डिवाइस में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलने वाली है एंड साथ ही रैम के मामले में यहाँ दोस्तों आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट आप बात कर ले दोस्तों क्या कुछ कैमरा सेटअप वगैरह हमें देखने को मिल सकती है इस सीरीज में, तो दोनों आपको सेम ही दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रिपल सेटअप देखने को मिल जाएगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे IQ 9 का कैमरा सेटअप का। तो यहाँ पे दोस्तों IQ 9 का जो प्राइमरी सेंसर होगा वो दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि दोस्तों आपको सैमसंग GNG का सेंसर देखने को मिल जाएगी एंड इस सेंसर का यहाँ अपार्चर आपको 1.57 देखने को मिल जाएगी एंड हाँ दोस्तों इस फोन में आपको OIS का सपोर्ट भी रियर साइड में देखने को मिल जाएगी। एंड सेकेंडरी सेंसर की बात करते हो दोस्तों आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंसेज देखने को मिलने वाली है, जिसका कि फील्ड ऑफ व्यू आपको 120 डिग्री देखने को मिल जाएगी। एंड लास्ट एक कैमरे की बात करूँ तो वो दोस्तों आपको एक 12 मेगापिक्सल का एक आपको पोर्ट्रेट इमेज खींचने के लिए देखने को सेंसर मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप बात कर ले 9 प्रो के बारे में, तो यहाँ पे सेम दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का एक सोनी का GNG सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसका अपार्चर दोस्तों आपको 1.57 ही होने वाली है एंड इस फोन में भी आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। एंड सेकेंडरी कैमरा इस फोन में आपको दोस्तों यहाँ पे आपको एक अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसका फील्ड ऑफ व्यू आपको दोस्तों 150 डिग्री देखने को मिल जाएगी। एंड एक लास्ट सेंसर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा सेम आपको 16 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करने के लिए यहाँ पे एक और लेंस देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे आपको सैमसंग का E5 एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों OLED होने वाली है एंड दोस्तों इस फोन में आपको फुल HD तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको एक हाई रिफ्रेश रेट 120 भी देखने को मिल जाती है। एंड अब नेक्स्ट बात करें 9 प्रो की, तो यहाँ पे सिंपली से आपको सोनी E5 का एक 6.7 इंचेज की कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ की दोस्तों आप क्वाड HD तक का सपोर्ट देख सकते हो एंड साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको 10 बिट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा एंड यस इसमें भी आपको हाई रिफ्रेश रेट 120 देखने को मिल जाने वाली है। एंड बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो दोस्तों इस सीरीज के दोनों ही फोन में आपको एक 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में एक 120W का एक अल्ट्रा फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाने वाली है। एंड ये दोनों डिवाइस ही आपको टोटल 3 स्टोरेज वेरियंट में देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट तो 8GB 256GB एंड सेकेंड दोस्तों 12GB 256GB एंड लास्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 12GB 512GB के साथ देखने को मिल जाएगी। एंड प्राइसिंग की बात करो तो ये अप्रॉक्स है जो यहाँ पे आपको IQ 9 का जो बेस वेरियंट वो आपको अप्रॉक्स से दोस्तों 47 या 48,000 के आसपास चाइना में लॉन्च हुई है, इंडिया में आते आते 1-2,000 अप डाउन होगी ही होगी। एंड नेक्स्ट यहां पे बात करूं 9 प्रो की प्राइस, इसकी जो बेस वेरिएंट है 8GB 256GB इसका प्राइस अप्रॉक्स से आपको दोस्तों 56 या 57,000 देखने को मिलने वाली है। लॉन्च की बात करूं तो वो दोस्तों आपको शायद से फरवरी या मार्च तक ही इंडिया में देखने को मिल जाएगी। सो बेसिकली यही था IQ 9 सीरीज का कुछ स्पेक्स, कुछ क्रेजी स्पेक्स। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो नेक्स्ट टाइम।